नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और उत्तराखंड के इन ब्लॉग में अब हम आ चुके हैं भारत के प्रथम गांव को देखने के लिए, जो एक वक्त पहले हुआ करता था भारत का अंतिम गांव। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की शुरुआत होती है इसी गांव से। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं माणा गांव, और यहाँ पर कैसा कल्चर है, किस प्रकार की दुकानें हैं, कैसा वेदर है, क्या चीजें हैं, वो सब हम अपने इस कैमरे में करने वाले हैं कैद। तो आइए दोस्तों करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो शुरू। माणा गांव जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा बद्रीनाथ, और वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये वाला गांव। दोस्तों यहां पर ऊंचे ऊंचे जो ये पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी चोटी पर बर्फ है, ऊपर की तरफ ओस है, जिसकी वजह से यहाँ की बर्फीली पहाड़ियां नहीं दिखाई दे रही है। यदि हम थोड़ा इस तरफ देखते हैं तो हम इन पहाड़ के ऊपर जमी हुई सफ़ेद कलर की बर्फ़ देख पा रहे हैं, जिनसे इनके जो पर्वत हैं वो ढके हुए हैं। और इस तरफ पड़ता है बद्री विशाल, भगवान विष्णु जी का मंदिर। और यहाँ से देखेंगे जब आप, तो यहाँ पर हमारी आर्मी और आईटीबीपी की जो सेना है वो तैनात रहती है, क्योंकि तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर यहाँ पर चाइना बॉर्डर लग जाता है। तो उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आईटीबीपी तैनात रहती है। और मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी बारिश हो जाती है, किसी भी वक्त यहाँ पर ओस पड़ने लग जाती है, कभी भी यहाँ पर धुंध हो जाती है, तो कभी भी यहाँ पे बर्फबाजी हो जाती है। तो दोस्तों अब हम जाएंगे इस पॉइंट से आगे की तरफ और यहाँ के उन गांव के घरों को भी दिखाएंगे, और भारत की अंतिम दुकान और भारत की प्रथम दुकान उसको भी हम अपने वीडियो में कैद करेंगे। दोस्तों हम बढ़ चुके हैं अब माणा गाँव की तरफ में, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितने सारे जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, उनका आवागमन शुरू हो चुका है। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को कैप्चर कर सके। आप देखेंगे तो पास में यहाँ पर जो आईटीबीपी के कैंप होते हैं वो बने हुए हैं सुरक्षा के लिए, और इसी के साथ में सैनिक तैनात हैं। और ये हमारे विदेशी मेहमान आए हैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में। जय हिंद सर जी। अब हम दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ की बहती हुई ये नदी देखिए, अलकनंदा नदी। आज तो उसका पानी बिल्कुल दूध जैसा दिखाई दे रहा है भाई। और सामने की तरफ है पूरा माणा गांव। मैं आपको दिखाता हूँ माणा गांव के जो घर है दूर से कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए भाई। और अभी हमें इसी पॉइंट पे पहुंचना है। यहाँ पर अब धीरे धीरे भीड़ लगनी शुरू हो गई है, और आज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई भीड़ कुछ ज़्यादा ही होगी। देखो ऊपर की तरफ से है ना, जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं ना, तो इनमें इस प्रकार से जो पानी है वो लगातार गिरता रहता है। और आज सुबह बारिश बहुत ज़्यादा हुई है भाई यहाँ पे, और अगले वाले आप गाड़ी देख सकते हो कितनी ज़्यादा झुकी हुई है भाई। यहाँ पे किसी प्रकार की दुर्घटना हो उससे पहले आप सावधानी का इस्तेमाल करें। देखो पानी पूरा रोड पे भरा हुआ है, पत्थर देख सकते हैं, और यहाँ का झरना देख सकते हैं भाई आप। ये देखिए पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है भाई बाइक के पीछे बैठने पर। और लगातार यहाँ पर गाड़ियों की जो कतार है वो अब जाम में तब्दील होती जा रही है भाई। ये देखिए पानी का बहाव देखिए भाई आप, कितनी तेज बन जा रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि हम माणा गांव में कितनी देर में पहुँचेंगे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। एक लाइन में रहें, कतार में रहें, और किसी प्रकार के जो यातायात के ट्रैफिक के जो नियम होते हैं ना, उनको ज़रूर आप फॉलो करें, उनका पालन करें भाई, वरना जाम की समस्या बन सकती है। और ये देख सकते हैं आप जाम लगना शुरू हो ही गया भाई। और दोस्तों सामने की तरफ पड़ता है वसुधरा, यानी कि स्वर्ग का झरना। और उस वसुधरा का मैं व्यू आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये है वसुधरा का व्यू सामने की तरफ, जो झरना गिर रहा है वहाँ पर हमें जाना है आज। उस पॉइंट को भी हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के जो छोटे बड़े पॉइंट्स हैं इनको देख रहे हैं। सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं। उतरने के बाद में भाई जिससे भी जिस प्रकार की हेल्प होती है, गाड़ियों को साइड में लगवाना,
यहाँ पर आने का सबसे जो बेस्ट समय है ना वो आपका होगा अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में, तो यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे पैदल चलता हूँ और जो मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं वो आएंगे अब बाइक पे। ये देखिए भाई, आप इनसे सवारी ले सकते हैं। भैया क्या रुपये सवारी यहाँ पे, कितने में सवारी एक बंदे की? 200 रुपये, 2000 रुपये। क्या बोलते हैं इसको आप, पालकी? पुंडी। तो इसे पुंडी बोलते हैं। एक कुर्सी जिसमें बैठ के जा सकते हैं भाई।